शिल्पी, राजकुमारी और तोता तीनों शिल्पी के माता पिता को ढूंढने निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमारी थक गई और उसे भूख और प्यास लगने लगी। उफ, बहुत प्यास लग रहा है और भूख भी। ओ, यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है। राजकुमारी को चलने की ताकत ना होने के कारण एक पेड़ की छांव में आराम करने लगी। तोता को राजकुमारी को देखकर बहुत तरस आने लगा। राजमहल में अपने मनपसंद भोजन खाने वाली तुम्हारी ये भूख मुझसे देखने ही जा रही है। अगर कुछ फल भी मिल जाते तो मेरी भूख मिट जाती। राजकुमारी, मैं फल के पेड़ ढूंढती हूँ। हवा में उड़ते उड़ते तोता फल के पेड़ों को और उसके बगल में ही एक तालाब को देखकर शिल्पी से कहा। शिल्पी, मेरे साथ आओ, तुम्हें फल के पेड़ दिखाऊंगी। शिल्पी उस तोते के साथ गया। कुछ देर में कुछ फल और पानी लेकर लौटा। तीनों ने मिलकर फल खाया और पानी पिया। हम यही रहेंगे तो समय बर्बाद होगा। हाँ, हमें माता पिता को ढूंढने जाना होगा। हम पहले तय करते हैं कि हमें किस ओर जाना है। तीनों मिलकर खोजने निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक चील को उनके आगे आगे जाते देखा। चील उस तोते को पकड़कर ले गया। अरे, वो चील तोता को ले गया, उसे मार देगा। बेचारा तोता, उसने हमारी बहुत सहायता की। क्या हम उस तोते को बचा नहीं सकते? पता नहीं चल रहा है कि बाज किस तरफ गया। तुम्हारे पास आईना है ना, उसकी सहायता से एक तोता बनाओ। शंकर ने एक सुंदर तोता बनाया। राजकुमारी ने उसमें जान दे दी। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बाज के ले जाने के बाद हमें बहुत दुखी हुई। उसके बाद क्या हुआ? उस बाज के ले जाने पर मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि मेरी जान गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कुछ भी हो, इस आईने की मदद से हमने तुम्हें बचा लिया। हमें बहुत खुशी हुई। मुझे और एक बात पता चली। नई बात? क्या बात? वो चील और कोई नहीं, जादूगर ही है। उसके जान और बहुत सारे प्राणियों में है। वो सब मालूम करके उसे अंत करने में बहुत समय लग जाएगा। तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उस दुष्ट जादूगर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? देखते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। चलते चलते उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। राजकुमारी को वह बहुत प्यारा लगा, लेकिन फिर सोचने लगी। शायद ये हिरन भी वो जादूगर हो। ये हिरन जरूर वो जादूगर होगा, उसे मैं मार दूंगा। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं वो जादूगर नहीं हूँ, उसके बारे में बताने आई हूँ। तुम क्या बताओगे, तुम्हें क्या मालूम? वो जादूगर तुम्हारी ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। बहुत दिनों से इस जंगल में रहने के कारण मुझे पूरी तरह मालूम है। कुछ बताना चाहती है तो बताने दो। ठीक है, बताओ। वो जादूगर मामूली आदमी नहीं है। अपना जादू दिखाकर उसने बहुत सारे जीव जंतु को मार दिया। उसका प्राण तीन जीवों में तीन जगह है। तुमने एक को मारा है और दो प्राणी बचे हैं। अगर उन दोनों प्राणियों के बारे में पता चल सके तो उसका अंत करके हम खुश रह सकते हैं। धन्यवाद मित्र, हमें तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। इतने में बारिश शुरू हो गई। अरे अरे, बारिश होने लगी। यहाँ तो छुपने के लिए कुछ नहीं है। घबराओ मत मित्र, पास ही में मेरा घर है, चलिए वहाँ चलते हैं। सब भागते भागते उस हिरण के निवास घर में शरण ली। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। राजकुमारी, हमारे साथ तुम भी परेशानियों का सामना कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं अपने मन से तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। हम राजवंशियों के लिए जंगल में परेशानी उठाना कोई नई बात नहीं है।
जो काम करने का निश्चय किया है उसे करना हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रात होने को आई है, इस रात यही रहकर कल सुबह निकल जाना। ठीक है, वैसा ही करते हैं। उस रात सब लोग वहीं सो गए। राजकुमारी के लिए एक प्रत्येक बिस्तर का आयोजन किया, उसी पर राजकुमारी सो गई। बगल के पेड़ पर एक उल्लू रात भर उनका पहारा करने लगी। सुबह होते ही उस उल्लू को देखकर तोता बोला, मित्र उस उल्लू को देखो, वो हमें ही देख रही है। मुझे लग रहा है कि उल्लू उस जादूगर का मित्र है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं बुरी नहीं हूँ। रात को जब आप लोग सब सो रहे थे तो मैंने रात भर पहारा दिया ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आए। आप लोग हर समय उस जादूगर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपको हर कोई उसी के तरह लग रहा है। रहने दो, हमें इस जंगल में अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, अब हमें कोई डर नहीं है। ये सब ठीक है, लेकिन हमें बहुत कुछ करना है। हाँ, हमें पता लगाना है कि उस जादूगर की जान किसमें है। ये पता लगाना मुश्किल है कि वो जादूगर किस रूप में और किस तरफ से आएगा। बातें करते समय उन्हें बड़ी आवाज में किसी की बातें सुनाई दी। अरे मूर्ख, मुझे मार कर अपने माता पिता को बचाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मर गया हूँ? नहीं, यह तुम्हारी कल्पना है, मैं जीवित हूँ। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, याद रखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है मित्र? वही जादूगर है, वह आवाज उसी की है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। पता नहीं मेरे माता पिता कहाँ हैं। तुम डरो मत, हम सबके होते हुए तुम्हें किसी का डर नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर तुम्हारे माता पिता की रक्षा करते हैं। फिर बड़ी आवाज सुनाई दी, सब इधर उधर देखने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल हिले, उसकी आवाज पूरे इलाके में सुनाई पड़ी। उनके बगल में बैठा उल्लू का आकार बढ़ने लगा, उसे देखकर उन्हें डर लगा। उल्लू जोर से उस जादूगर की आवाज में हंसने लगी। दौड़ो दौड़ो, सब लोग दौड़ो, ये उल्लू ही वो जादूगर है। सब दौड़ने लगे, इस बार उल्लू राजकुमारी के पीछे लग गई। बचाओ बचाओ! अरे ये उल्लू तो राजकुमारी के पीछे पड़ गई, राजकुमारी को कैसे बचाऊं? शिल्पी को एक उपाय सूझा, तुरंत उसने एक तलवार बनाया, राजकुमारी को दिया। राजकुमारी उस तलवार को लेकर उल्लू पर वार कर दिया। आकार में बड़ा होने के कारण उसे मारने में बहुत समय लग गया। अंत में उल्लू जोर से चिल्लाया और छोटी हो गई। उल्लू के छोटे होने से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अरे ये तो बहुत गजब हो गया, उसने हमारे मित्र को ही हमारा शत्रु बना दिया। तलवार लगने से उल्लू घायल हो गया, उसे देखकर राजकुमारी को दया आ गई और उसने पेड़ों के कुछ पत्तों को लेप बनाकर उल्लू के चोट पर लगाई। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुँचे। उसे देखकर सभी सोच में पड़ गए। रुको दोस्त रुको, अभी हमें इस नदी को पार करना है, क्या करें, मुझे तैरना भी नहीं आता। हम सब तुम्हें ले जाएंगे दोस्त। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बहुत दिनों से हंस वाहन पर बैठने की आशा है। तुम अगर एक बड़ा हंस वाहन बनाओगे तो हम सब उस पर सवार होकर सवार कर सकते हैं। राजकुमारी के कहने के मुताबिक शिल्पी ने एक बड़ा हंस बनाया,
वो बहुत सुंदर था। राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसमें जान डाल दी। सब उस हंस पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। अंत में वो नदी के उस पार पहुंच गए। उफ, आखिर हम पहुंच गए। यहाँ हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? तुम दोनों यहीं रहो, हम तीनों जाकर तुम्हारे माता पिता का पता लगाते हैं। हिरन दोस्त, तुम उस तरफ जाओ, हम दोनों इस तरफ जाकर ढूंढते हैं। शिल्पी और राजकुमारी को वही छोड़कर तोता, उल्लू और हिरण उन्हें ढूंढने निकल पड़े।